नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं लीली और रुक करते हैं खबरों का। सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डेनी अंटोइन रोलेन फोरे दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। 26 जून को सेशल्स राष्ट्रपति और उनके साथ 5 सदस्यीय शिष्टमंडल का राज्य सरकार की ओर से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। साथ ही 27 जून की शाम को वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के कार्यक्रम में भाग लेकर साल 2017 से 19 बैच के आईएफएस प्रोविजनर से संवाद करेंगे। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने राष्ट्रपति के दौरे पर अपनी कमर कस ली है। जो सुरक्षा और प्रोटोकॉल के जो भी नॉर्म्स होते हैं सबका पालन किया जा रहा है प्रॉपर। जितना जो जो उसके हेड ऑफ द स्टेट के लिए जो भी प्रोटोकॉल है और जो सुरक्षा की व्यवस्था है सारी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां अलीगढ़ से वापस मेरठ लौटते समय नेशनल हाईवे 91 पर महिला से चलती कार में गैंगरेप की घटना सामने आई है। महिला का कहना है कि उसके पति सहित 3 युवकों ने उसके साथ कार में गैंगरेप किया और चलती कार से धक्का मारकर बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में फेंक दिया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी जुट गई है। मैं अलीगढ़ अपने वकील से मिलने के लिए गई थी, मेरा अलीगढ़ कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे 3 आरोपी 3 लड़के मिले। उन्होंने मुझे बहगा के अपनी कार में बैठा लिया और फिर मेरे साथ हाईवे पर NH हाईवे पर आकर तीनों ने बारी बारी से चलती कार में बलात्कार किया और फिर मुझे कृष्णा ढाबे के आसपास गाड़ी से धक्का देकर भाग गए। एक साइकिल वाले ने मेरी मदद करी, तब उसने मुझे थाने पहुंचाया, मैंने उसकी रिपोर्ट करा दी। मेरा मेडिकल हो चुका है, आरोपियों को पकड़ लिया है और अभी तक जेल नहीं घुसा। मैं उन तीनों को जानती हूँ, एक में मेरा पति है, एक उनका दोस्त है, एक उनका ITI चलाता है। मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें जेल भेजा जाए, जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में एक महिला ने तहरीर दी है कि उसका पति और उसके दोस्त ने उसके साथ रेप किया। उसका कहना है कि मैं तारीख पर कोर्ट आई थी तो इन्होंने बहला फुसला कर ले जा करके हमारे साथ इस तरह का दुष्कर्म किया है। उसका पहले भी एक दहेज का मुकदमा थाना खरखौंदा में दर्ज है और उस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि घटना के बारे में जांच के लिए थाना खुर्जा देहात को आदेशित कर दिया गया है और अगर उनका दोष सिद्ध होता है तो उनकी गिरफ्तारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई। बुलंदशहर से यतीन शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglik.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglik.com, use promo code nation1. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मामूली विवाद में चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला गजरौला थाने का है, जहां अजय पाल सिंह का नशा मुक्ति केंद्र बहुत अच्छे से चल रहा था, जिस पर उसके भतीजे बंटी ने भी पास में ही दूसरा नशा मुक्ति केंद्र खोल दिया, जो कि उससे अच्छा चलने लगा, जिस पर अजय पाल इतना नाराज हुआ कि उसने गुस्से में आकर उसे गोली मार दी। मामले में पुलिस ने आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बंटी है जिनको इनके चाचा ने गोली मारी है, इनके साथ में भी कुछ लोग थे, जिनके संबंध में थाना गजरौला पे क्राइम नंबर 406 अंडर सेक्शन 302 IPC पंजीकृत हुआ है। उसमें 3 लोग नामजद किए गए थे, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, तीसरे की गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है। बीती रात की घटना है, 12 घंटे से कम समय में हमारी पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली। अमरोहा से प्रिंस अग्रवाल की रिपोर्ट। झारखंड के जामताड़ा संग्रहालय के समक्ष संयुक्त मोर्चा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, नाला और जामताड़ा के विधायक JMM, कांग्रेस राजद JVM और कम्युनिस्ट पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। मौके पर भूमि संशोधन अधिनियम के खिलाफ वक्ताओं ने अपने विचार रखे और लोगों से 5 तारीख को चक्का जाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। झारखंड उबालने का इतिहास गवाह है, तब तक झारखंड उबलता है। पुनः रघुवर सरकार ने जमीन पर सुरवे से निगार टिका के रखा था,
और महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जमीन अधिग्रहण बिल में हस्ताक्षर कर देने के बाद ये उबाल होना स्वाभाविक है। सारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोग जान चुके हैं कि हमारा कृषि जगत भूमि में नहीं बचेगा और जमीन बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आदिवासी तो है नहीं, लेकिन अगर आदिवासी लिखते हैं तो जरा भी आपको ये नहीं हमदर्दी नहीं है यहाँ के आदिवासी से? थोड़ा तो हमदर्दी होना चाहिए आपको। और अगर ये इस्तीफा अगर नहीं देती है तो हम कहेंगे कि इसको जामताड़ा ही नहीं पूरे संथाल पर बिटला करेंगे। बीजेपी के सभी मंत्री सभी विधायकों को बिटला होगा। जामताड़ा से धनंजय मंडल की रिपोर्ट। और बुलेटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।